हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से जो मैं अपने चैनल में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें उसका फर्स्ट जो लेक्चर है जो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिविल प्रोसीजर कोड का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसको हम लोग समझने के लिए उसके कंटेंट्स पे पहले नज़र एक डाल लेते हैं। कंटेंट्स मैं आपके सामने लिखता हूँ एंड वन बाय वन मैं उन कंटेंट्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश करूँगा कि जो ये मेरे जो कंटेंट्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हो और इनको मैं इनको आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अब इंट्रोडक्शन है और मेरा पहला लेक्चर है इस वीडियो सीरीज़ का, तो मैं कंटेंट आपके सामने लिखता हूँ। द फर्स्ट कंटेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज़ द प्रोसीजरल कोड। फर्स्ट इज़ द प्रोसीजरल कोड। सेकेंड इज द हिस्ट्री ऑफ द कोड। थर्ड सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज द एक्सटेंट एंड इनैक्टमेंट ऑफ द कोड द फोर्थ पॉइंट इज द कोडिफिकेशन कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन कोड सिविल प्रोसीजर कोड। द नेक्स्ट आफ्टर कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन द फिफ्थ वन एंड इज क्वाइट इम्पोर्टेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड YCPC ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड। ओके देन सिक्स इज द स्कोप एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोड। स्कोप एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोड एंड लास्ट इज द स्कीम ऑफ द कोड। ओके सो दिस इज अवर synopsis. So here is the synopsis. Okay. So we'll discuss all the 7 points one by one. Okay. So the first point. So I'll start with the first point, and the first point is the procedural code. The first point. Okay. So the first point is procedural code. Okay, so law को जब हम लोग basically study करते हैं, so law can be divided in two parts. So law and this is law can be divided in two parts. Okay, can be divided in two parts. The first is known as the substantive law
and the second one is known as the procedural law. So substantive law and procedural law. So law को basically हम लोग दो category में divide कर देते हैं. Substantive law क्या होता है? Substantive law talks about rights and liabilities. Of the parties. So substantive law, rights and liabilities of parties discuss करता है. On the other hand, procedural law बात करता है उनके enforcement की. Procedural law practice mode and machinery provide करते हैं. Machinery ठीक है provides करता है to enforce the substantive law. So procedural law and substantive law. So basically distinction है दोनों में कि substantive law आपका right and liabilities create करेगा और procedural law उसको enforcement का काम करेगा, एक machinery provide करेगा जो कि enforce आपके substantive law को enforce करवाएगी. So एक point अगर मैं discuss करूँ यहाँ पर अगर हम लोग डील करते हैं, सो द फर्स्ट इज द पॉइंट इज कि सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. सो सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ and procedural law, they are complementary to each other okay. So substantive law and procedural law in simple sense are complementary to each other. So, अब बात करते हैं कि आपके complementary हैं substantive law और procedural law. That means अगर next point में मैं discuss करवाऊँ, so the efficacy of the efficacy of substantive law is dependent on the quality of procedural law. That means effectiveness जो substantive law की है वो procedural law की quality पे depend करेगी. अब ये quality क्या होती है? Quality पे अगर मैं बात करूँ तो quality that means अगर आपका procedural law expeditious है, that means
एक्सपीडिशियस मीन्स आपका प्रोसीजरल लॉ आपका टाइम बचा रहा है, दिस इज काइंड ऑफ टाइम सेवर। सेकेंड इज द सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थर्ड एंड इनएक्सपेंसिव, सो ये क्वालिटीज हैं प्रोसीजरल लॉ की। इसलिए इस स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कि द एफिकेसी ऑफ सब्सटैंटिव लॉ इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोसीजरल लॉ, क्वालिटी ऑफ द प्रोसीजरल लॉ। ओके, आप सब्सटैंटिव लॉ हम कितना ही अच्छा बना दें, बट अगर आप हमारा प्रोसीजरल लॉ अगर उस इफेक्टिवनेस का नहीं होगा, अगर हमारे प्रोसीजरल लॉ में या जो प्रोसीजर हमने बनाया है वो उसमें वो इफेक्टिवनेस नहीं होगी, तो सब्सटैंटिव लॉ का पर्पस जो है वो आप डिफीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका जो प्रोसीजरल लॉ है इज एडजंक्ट, द प्रोसीजरल लॉ इज एग्जंक्ट टू सब्सटैंटिव लॉ, सब्सटैंटिव लॉ। दैट मीन्स सब्सटैंटिव लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए या प्रॉपरली इन्फोर्स करने के लिए हम प्रोसीजरल लॉ की हेल्प लेते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसीजरल लॉ में, एंड ये फर्स्ट हम लोग फर्स्ट डिस्टिंक्शन पढ़ रहे हैं प्रोसीजरल लॉ जो है आपका क्या होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो सब्सटैंटिव लॉ हैं आपके, द प्रोसीजरल लॉ puts life in substantive law. But the question is कि कैसे put करेगा, but the question is कि कैसे आपका procedural law life put करेगा, by the well-known maxim, by the well-known maxim। और वो मैक्सिम क्या है वो मैं लिख देता हूँ, ubi jus ibi remedium। दैट मीन्स वेयर देयर इज अ राइट, देयर इज अ राइट, देयर इज अ रेमेडी। Where there is a right, there is a remedy. So, right provide करता है आपका substantive law और remedy provide करता है आपका procedural law. So, hence हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो well-known maxim है उसको procedural law fulfill करता है. Next point इस procedural code का last point मैं आपके सामने discuss करूँगा कि आपका जो ये प्रोसीजरल लॉ है इज ऑल्सो नोन एज द एडजेक्टिव लॉ, एडजेक्टिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ इज ऑल्सो नोन एज द एडजेक्टिव लॉ, दैट मीन्स कि इट नीदर टेक्स अवे एनी राइट और नॉर कन्फर्स एनी राइट, नीदर टेक्स अवे एनी राइट neither takes away any right nor confers any right। ना तो ये कोई राइट आपसे छीन सकता है और ना ही ये राइट आपको कोई प्रोवाइड कर सकता है। जो राइट प्रोवाइड करते हैं वो सब्सटैंटिव लॉ होते हैं,
प्रोसीजरल लॉ जो हैं वो आपके प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए यूज़ होते हैं. सो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि द सिविल प्रोसीजर कोड इज़ अ प्रोसीजरल कोड और द एडजेक्टिव लॉ. ओके, सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पॉइंट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ द हिस्ट्री ऑफ द कोड इज द सेकेंड पॉइंट. ओके, तो सेकेंड पॉइंट मैं डिस्कस करा रहा हूँ. सेकेंड पॉइंट इज द हिस्ट्री ऑफ द कोड. इसमें कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द कोड में. तो हिस्ट्री ऑफ द कोड में द फर्स्ट थिंग इज कि बिफोर 1859 हर एक स्टेट का इंडिया में, मींस ब्रिटिश इंडिया में, हर एक स्टेट डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करता था सिविल मैटर्स को डील करने के लिए. बट 1859 में इन सभी को कंसोलिडेट किया गया. कोर्ट को कंसोलिडेट करके एक सिंगल कोर्ट बनाने की कोशिश की गई. बट ये कोर्ट सर्टेन एस्पेक्ट में फेल हो गया क्योंकि ये कोर्ट प्रेसिडेंसी टाउन्स जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था एंड स्मॉल कॉज प्रेसिडेंसी कोर्ट्स ये कोड वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता था. सो फिर फर्दर अमेंडमेंट्स होते रहे तो फाइनली जो 1908 में जो प्रेजेंट सिविल प्रोसीजर कोड है वो इनेक्ट किया गया. तो दैट इज द सिविल प्रोसीजर कोड, वो इनेक्ट किया गया आपका 1908 में. फिर 1908 के बाद अमेंडमेंट्स होते रहे सिविल प्रोसीजर कोड में, बट जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स वो आपका 1951, 1956, 1976, आपका 1999 एंड 2002, ये अमेंडमेंट्स कोड में हुए हमारे. ये अमेंडमेंट्स का पर्पस क्या था, ये क्यों अमेंडमेंट्स हुए? कुछ प्रॉब्लम्स कोड में चल रही थी तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन भेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रिकमेंडेशन. उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सोचने के बाद कुछ रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की. इसका मेन पर्पस क्या था वो मैं आपको बताता हूँ. द फर्स्ट पर्पस इज कि लिटिगेंट उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए. That means कि justice based on natural principles
फेयर ट्रायल मीन्स द जस्टिस बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिंसिपल. सो फर्स्ट जो उसका ऑब्जेक्ट था कि लिटिगेंट्स जो हैं उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए. द फर्स्ट थिंग लिटिगेंट्स जो है उनको फेयर ट्रायल. द सेकेंड पॉइंट इज कि जो सिविल डिस्पोजल ऑफ केस है ऑफ केसेस वो आपका एक्सपीडियसली होना चाहिए. सिविल डिस्पोजल ऑफ केस एक्सपीडाइट आपका होना चाहिए सच दैट कि जो जस्टिस है वो जस्टिस नॉट डिनाइड, जस्टिस नॉट डिनाइड टू एनी पर्सन, जस्टिस नॉट डिनाइड टू एनी पर्सन. एंड थर्ड पॉइंट जो कि मेन ऑब्जेक्ट था इसका, द थर्ड पॉइंट इज कि द प्रोसेस मस्ट बी सिंपल, द प्रोसेस मस्ट बी सिंपल सच दैट द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि प्लीडर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. प्लीडर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको गवर्नमेंट प्लीडर प्रोवाइड करवाए और ये जो प्रोसेस हो ये सिंपल होनी चाहिए. तो ये आपका 1976 का ये ऑब्जेक्ट था, जो अमेंडमेंट करवाने का ऑब्जेक्ट था. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुए थे 1976 के बाद, हम लोग बात करेंगे जस्टिस मालिमत कमेटी की, जस्टिस मालिमत कमेटी जस्टिस मालिमत कमेटी की बात करेंगे. ये 1999 एंड 2002 अमेंडमेंट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, कि जो ये फर्दर अमेंडमेंट्स हुए थे सिविल प्रोसीजर कोड में. तो जस्टिस मालिमत कमेटी ने इसमें क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी. सो जो ये अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या क्या बातें की गई थी मैं आपको एक एक करके वो बातें बताता हूँ जो जस्टिस मालिमत कमेटी ने रिकमेंड की थी. द फर्स्ट इज जो मेन पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करवाऊँगा, द फर्स्ट पॉइंट इज कि टाइम लिमिट आपकी सेट करी, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब, टाइम लिमिट आपकी प्रिस्क्राइब हुई, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड. That means कि issue of summons, summon issue कर रहा है court अगर तो वो time limit prescribe करेगा. ONS written statement file हो रहा है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो रहा है उसके लिए भी आपकी टाइम लिमिट है. डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाई हो रहे हैं तब है. विटनेसेस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस तब आपकी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की है. जज प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट एंड द प्रिपरेशन टाइम ऑफ द डेक्री.
प्रिपरेशन टाइम ऑफ टैकरी. ये जो टर्म्स हैं, समन्स, रिटन स्टेटमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट एंड डेक्री, ये मैं अपने फर्दर लेक्चर्स में आपको इन सारे टर्म्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा. बट अभी के लिए ये जो जस्टिस मालिमत कमेटी के रिकमेंडेशन थे उसमें ये पॉइंट आपके कंसीडर किए गए. द सेकंड पॉइंट हम लोग अब डिस्कस करेंगे, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब आपकी कर दी. सेकंड, द आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट्स प्रोविजन्स, कुछ प्रोविजन्स सीपीसी में इंक्लूड किए गए, उन प्रोविजन्स के अकॉर्डिंग सर्टेन प्रोविजन्स इन प्रोविजन्स के अकॉर्डिंग आउटसाइड सर्टेन केसेस जो कि आउट कोर्ट के आउटसाइड जो है सॉल्व हो सकते हैं, दैट मीन्स आर्बिट्रेशन के थ्रू, उसको उसके लिए प्रोविजन यहाँ पर वो प्रोवाइड किया गया. द रीजन वॉज, जो जब ये अमेंडमेंट लाया गया, कि कोर्ट के पास ऑलरेडी केसेस बहुत ज़्यादा है, सो अगर कुछ केसेस जिसमें जिनका डिस्पोजल अगर आउटसाइड द कोर्ट अगर हो जाता है तो ये कोर्ट का एक प्रेशियस टाइम आपका सेव हो जाएगा. द सेकंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन एडजॉर्नमेंट्स. Restriction on adjournments. Adjournment भी एक excessive amount of time court का consume करते हैं, so उसमें भी restriction impose की गई. The fourth point, appointment of court commissioner to record evidence. So एक court commissioner अपॉइंट किया गया टू रिकॉर्ड एविडेंसेस ऑफ विटनेसेस. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. नाउ फिफ्थ पॉइंट हम लोग डील करेंगे. Okay, so the fifth point is the endless argument, settlement of endless argument. Settlement of endless arguments. Of endless arguments. कोर्ट ने एंडलेस आर्ग्यूमेंट सेटलमेंट करने के लिए फर्स्ट ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया. द फर्स्ट और रिटन स्टेटमेंट के लिए जो कि बोथ द पार्टीज को फाइल करना होता था,
रिटन स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स के लिए जो स्टेट्समैन प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्ड। ये दो पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में आते हैं कि ओरल आर्ग्यूमेंट की टाइम लिमिट फिक्स कर दी और जो रिटन स्टेटमेंट्स जो कि बोथ पार्टीज को प्रोवाइड करने पड़ते थे उनको रिकॉर्ड में अब लाना कोर्ट ने स्टार्ट कर दिया। तो सिक्स पॉइंट अपील इन कोर्ट्स, ये पॉइंट प्रिस्क्राइब करता है कि आप उस कोर्ट में अपील कर सकते हो जिसने डिक्री पास की है। सो जो कोर्ट डिक्री पास करता है वहां पर आप सेम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, सेम कोर्ट में आप अपील जो है वो आप कर सकते हो। द सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट इज द अपील अगेंस्ट द जजमेंट। अपील अगेंस्ट द जजमेंट, अपील अगेंस्ट द जजमेंट। अगर एक कोर्ट एक जजमेंट पास करती है आपके खिलाफ, सो आप उस जजमेंट के अगेंस्ट आप अनदर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो अनदर कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सिविल कोर्ट एक डिक्री पास करती है और आप उस डिक्री से सेटिस्फाइड नहीं हैं, सो आप उस डिक्री के अगेंस्ट आप उस जजमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में एक अपील फाइल कर सकते हैं। अब ये जो डिस्टिंक्शन है कि जजमेंट क्या होता है, डिक्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा आपको। सो ये सेवन पॉइंट्स हैं। एंड द लास्ट पॉइंट कि फर्स्ट एंड सेकंड अपील लेटस पेटेंट अपील और रिविजन सर्टेन एक्सटेंट तक कर्टेल्ड हो गए। कंप्लीटली कर्टेल्ड नहीं हुए बट सर्टेन एक्सटेंट तक उनमें लिमिटेशन इम्पोज की गई। सो ये मेरा सेकेंड जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द कोड। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्टार्टिंग है सिविल प्रोसीजर कोड के लेक्चर सीरीज की और मैं इस लेक्चर सीरीज में पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ें मिल जाएं। सो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है इन हर एक टॉपिक का। सो हर एक टॉपिक में मैं एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लगा रहा हूँ और वो चीज़ें डिस्कस करवा रहा हूँ जो कि सिविल प्रोसीजर कोड को सीखने के लिए नेसेसरी है। इंट्रोडक्शन हम लोग मोस्टली स्किप कर देते हैं बट इंट्रोडक्शन बहुत एसेंशियल पार्ट है आपका जब आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को। सो आपको एक ओवरऑल आइडिया जो है पूरे कोड का, सिविल प्रोसीजर कोड जो कि प्रेजेंट केस में हमारे पास है, उसका एक आइडिया आपके पास होना चाहिए। ओके सो मैं अब थर्ड पॉइंट की बात करूँगा। थर्ड पॉइंट इज़ द एक्सटेंट एंड एनैक्टमेंट ऑफ द कोड। सो द थर्ड पॉइंट इज़ द थर्ड पॉइंट दिस इज द थर्ड पॉइंट सो थर्ड पॉइंट इज सो थर्ड पॉइंट इज एक्सटेंट
and enactment of the code. Enactment of the code. ये कोड 1908 में इनेक्ट हुआ, बाकी अमेंडमेंट्स जितने हुए मैंने आपसे डिस्कस करवा दिया है। ये 1908 में आपका सीपीसी जो है वो इनेक्ट हुआ, ये इनेक्ट हुआ। बात करते हैं एक्सटेंट की। सो ये होल इंडिया में वैलिड है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरियाज। दिस इज द थर्ड पॉइंट, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ द कोड। कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन। ऑफ द कोड कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ द कोड। कंसोलिडेट मीन्स इस सिनेरियो के हिसाब से, सीबीसी के हिसाब से, जितने भी प्रीवियस जो आपके लॉज थे सिविल मैटर से रिलेटेड, उनको एक ही एक्ट में आपका कंसोलिडेट, यानी एक ही एक्ट में उनको जोड़ दिया गया। सो इसको हम लोग कंसोलिडेशन बोलेंगे। एंड देन कोडिफिकेशन, दैट मींस कि सिविल प्रोसीजर कोड को हम लोगों ने कंसोलिडेट एंड कोडिफाई कर दिया। कोडिफिकेशन क्यों किया जाता है, वाई कोडिफिकेशन ऑफ एनी एक्ट। कोडिफिकेशन के थ्रू हम जो प्रोसीजर है एंड द लैंग्वेज यूज्ड इन द एक्ट, लैंग्वेज यूज्ड इन द लॉ। तो जो लैंग्वेज अब हम लॉ में यूज करेंगे वो हम कोड से डराइव करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग लॉज। जो लॉज पहले प्रवेल कर रहे थे अब हम लोग उनको छोड़ के जो कोड की लैंग्वेज है, कोड में जो लैंग्वेज और डेफिनेशन यूज किए है, हम लोग उसको यूज करेंगे। यहाँ पर एक मैं मेन बात लिखना चाहूँगा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी इज टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ। मैं लिख देता हूँ, द मेन ऑब्जेक्ट of CPC is to amend and consolidate all the laws related to civil प्रोसीजर। ऑल द लॉज रिलेटेड टू द सिविल प्रोसीजर, ये आपका कोडिफिकेशन। सो कोडिफिकेशन के थ्रू जो है हम लोग सारी लॉज को कंबाइन करते हैं सच दैट कि सभी लॉज रिलेटेड टू द सिविल प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ सिविल प्रोसीजर, वो हम एक सिंगल एक्ट में डील कर लेंगे। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। एंड नाउ द फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट।
फिफ्थ पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड. फिफ्थ पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड. व्हाट इज द मेन एम ऑफ द कोड? सो द मेन ऑब्जेक्ट जो है वो कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉस. अमेंड लॉस, ठीक है, रिलेटेड टू द सिविल प्रोसीजर. सिविल प्रोसीजर जो है वो डिजाइन क्यों हुआ? वाई डिजाइन? डिजाइंड. सिविल प्रोसीजर कोड का मेन एम इज टू फैसिलिटेट जस्टिस. इज टू फैसिलिटेट जस्टिस एंड फर्दर इट एंड फर्दर इट्स एंड. दैट मीन्स कि सिविल प्रोसीजर कोड एज अ हेल्पिंग कोड यूज हुआ है सच दैट कि जस्टिस फैसिलिटेट हो सके. नॉट कॉम्प्लिकेटेड हो सके किसी भी केस में. सो द क्वेश्चन इज कि कैसे हम लोग, कैसे कोड जो है इस एम को अचीव करेंगे? हाउ इस एम को अचीव करने के लिए कोड्स हाइपर टेक्निकल इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करेंगे. ओके, सो दैट मीन्स हाइपर टेक्निकल व्यू must be avoided by codes. Hyper technical view codes avoid karengi. That means ki code ka main purpose ye nahi hai ki technically interpretation hum log kisi bhi law ka kya de rahe hain. बट जो मेन एम है प्रोसीजरल लॉ का वो जस्टिस को फैसिलिटेट करना है, जस्टिस को सिंप्लीफाई करना है सच दैट कि जस्टिस जो है हर एक सेक्शन को मिल सके, वो भी कम टाइम में मिल सके, वो भी एफिशिएंटली मिल सके. तो अगर कोर्ट्स हाइपर टेक्निकल व्यू अडॉप्ट करती हैं, टेक्निकली जो है कोड की लैंग्वेज को यूज़ करती हैं, अपना डिस्क्रिप्शन कोड अगर यूज़ नहीं करती हैं, तो इस केस में जो जस्टिस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मिलना. ओके, सो दैट मींस अगर मैं केस लॉ की बात करता हूँ तो केस लॉ है घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया. ...1948 का केस है. इसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर लॉ वो कन्फर नहीं कर सकती जो कि सब्सटैंटिव लॉ कन्फर नहीं करती है. दैट मीन्स जो सब्सटैंटिव रूल, जो सब्सटैंटिव लॉ अगर किसी भी सेक्शन को अवॉइड करता है या कोई लॉ को अवॉइड करता है तो प्रोसीजरल लॉ उस को नहीं प्रोवाइड कर सकता. ओके, सो ये घनश्याम दास और डोमिनियन ऑफ इंडिया का केस है. ओके, बिकॉज प्रोसीजरल लॉ एक एडजेक्टिव लॉ है. नाउ दिस इज द फिफ्थ पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट, द स्कोप एंड इंटरप्रिटेशन. स्कोप और इंटरप्रिटेशन की हम लोग बात करेंगे. सिक्स पॉइंट, स्कोप एंड इंटरप्रिटेशन. स्कोप एंड इंटरप्रिटेशन, द
फर्स्ट थिंग इज कि सी पी सी इज एग्जॉस्टिव ऑन द मैटर्स स्पेसिफिकली डील dealt with dealt with by it dealt it by it okay so जो specifically जो rule वो provide कर रहा है उस केस में CPC का जो interpretation है और जो scope है वो exhaustive है. तब देखिए प्रॉब्लम ये है कि लेजिस्लेचर जो है वो हर रूल नहीं बना सकता. हर रूल इनकैपेबल लेजिस्लेचर इज इनकैपेबल ऑफ कंटेम्पलेटिंग ऑल द रूल्स. तो कि सिचुएशन इन फ्यूचर क्या होगी और फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या फ्यूचर लॉ के हिसाब से क्या लॉ में चेंजेस आएंगे ये लेजिस्लेचर कंटेम्पलेट नहीं कर पाता. तो ये जो पावर है कोर्ट्स को लेजिस्लेचर ने ये प्रोवाइड कर लिखी. तो कोर्ट्स हैव इनहेरेंट पावर. कोर्ट्स हैव इनहेरेंट पावर्स टू डील विद दीज इश्यूज बेस्ड ऑन जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस. ओके अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की कि जुडिशरी सीपीसी का इंटरप्रिटेशन कैसे करेगी. जुडिशरी सीपीसी का इंटरप्रिटेशन कैसे करेगी. सो द फर्स्ट थिंग इज कि जुडिशरी देखेगी कि वो हाइपर टेक्निकल व्यू को अवॉइड करे. एंड जो लॉज हैं उनको लिबरली इंटरप्रेट करें. द सेकेंड अगर बाय मिस्टेक और नेग्लिजेंस ये पार्टीज करती हैं सो कोर्ट एक लिबरल व्यू जो है रखेगी और जस्टिस मेयरली इस बात पर डिनाई नहीं करेगी कि पार्टीज ने मिस्टेक और नेग्लिजेंस किया है. दिस इज द इंटरप्रिटेशन. सो दैट मींस कि आपका जो प्रोसीजरल लॉ है प्रोसीजरल लॉ इज सपोर्टिव. Procedural law is supportive of. Procedural law is supportive of substantive law. Okay. And the last point. The scheme of the court. Last point is the scheme of the CPC को अगर डिवाइड किया जाए तो CPC आपका सेक्शंस में और ऑर्डर्स एंड रूल्स में डिवाइडेड है. देर आर 158 सेक्शंस एंड 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स.
सेक्शंस आपके सब्सटेंटिव नेचर के होते हैं, और ऑर्डर्स आपके ये मेथड और प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोसीजर और मशीनरी प्रोवाइड करते हैं एनफोर्समेंट की। एक मेन पॉइंट ये है कि ये फंडामेंटल नेचर के होते हैं सेक्शंस आपके, सो ओनली लेजिस्लेचर कैन अमेंड, लेजिस्लेचर कैन अमेंड दीज लॉज, दीज सेक्शंस। वेर इज अगर हम लोग ऑर्डर्स की बात करेंगे, सो हाई कोर्ट्स जो है वो ऑर्डर्स को अमेंड कर सकती है। एक मेन पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट अगर कोई रूल अमेंड करती है, सिंस रूल जो है स्केड्यूल वन में, ऑर्डर्स एंड रूल स्केड्यूल वन में आते हैं सीपीसी के, सो अगर हाई कोर्ट कोई रूल अमेंड करती है तो वो भी सीपीसी का एक पार्ट माना जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि द सीपीसी, वैसे जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं वो कॉमनली लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, बट सीपीसी इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन नोशन, तो सीपीसी इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। Not retrospective in operations. In operations. So, ये friends मैंने introduction CPC का बताने की कोशिश की है, ये 7 points, और कोशिश की है कि ये सारे sections आपके introduction में एक आपको general idea CPC में मिल जाए कि ये क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं वन बाय वन आपको वो रूल्स बताऊंगा जिसमें हम लोग ऑर्डर, डिक्री और इन सभी की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और सीपीसी का ये मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का भी वेट करूंगा। सो आप मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा उनको इम्प्रूव करने की। सो नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे हम लोग फर्दर कोर्स की। सो तब तक थैंक यू वेरी मच।